नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अचानक से मौसम का मिजाज बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में इन दिनों उत्तर बिहार में आंधी पानी की घटना के साथ साथ पूर्वा एवं पश्चिमी पूर्वा हवा के प्रवाह जो है वो बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक समय राज्य के दक्षिणी बिहार में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब तापमान में अचानक से बदलाव हुआ है तो ऐसे में दक्षिणी बिहार में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि उत्तर बिहार में जहां मौसम साफ हुआ है उसके बाद से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा में गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ प्रदेश के इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अगर हम बिहार के दक्षिणी हिस्से की बात कर लें तो औरंगाबाद और रोहतास में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि अगर हम गुरुवार के प्रदेश के तापमान की अगर हम बात कर लें तो रोहतास जिला सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। वहीं अगर हम हवा की बात कर लें तो यह 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। ऐसे में विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि शुक्रवार के दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तापमान को लेकर जो बात कही गई है उसमें यह कहा गया है कि तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी या फिर बढ़ोतरी आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से कह लें कि मौसम विभाग भी अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी और गिरावट देखी जा रही है, इसके साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कई हिस्सों में तेज़ धूप के जो हालात हैं, इसके बाद से प्रदेश के पूरे प्रदेश का अपडेट अगर हम मौसम विभाग की तरफ से चाहें एक बार में तो वो बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अचानक से ठंडी तो अचानक से कई इलाके में जो है गर्मी वाले हालात उत्पन्न होने लगे हैं। वहीं अगर हम प्रदेश के बारिश की स्थिति को देख लें तो उत्तर पश्चिम के भागों में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। बिहार में वाल्मीकि नगर में 0.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा है। बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश से फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसे में किसानों को बारिश की मार झेलनी पड़ी है। बता दें कि इन दिनों आम और लीची की फसलों पर इसका असर देखने को मिला है। एक तो इस साल सर्दी का मौसम देर तक रहने के कारण आम की फसलों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस तेज़ हवा और आंधी पानी से आम के फसलों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बिहार में जिस तरह की स्थिति है उसे देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल है कि कब प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल जाए। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर हम देखें मौसम विभाग के अपडेट को तो उसमें अभी भी जो है कुछ पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी जो है साझा नहीं की जा रही है कि प्रदेश के किन किन जिलों में जो है हालात किस तरह से रहेंगे। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि उत्तर बिहार के इलाकों में जो है बारिश और मौसम जो है खुशनुमा रहेगा, लेकिन दक्षिण बिहार के इलाकों में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी उसमें जो है अब कहा जा रहा है कि गिरावट देखी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में या तो तापमान जो है 3 डिग्री ऊपर जा सकता है या फिर 3 डिग्री नीचे आ सकता है। तो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां साझा की गई है वो हमने आपके सामने रखा है। ऐसे में हमारा एक सवाल है और आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके ज़िले में मौसम का क्या हाल है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।